कल से यानी 28 मार्च से डीडी नेशनल पर रामायण का प्रसारण दोबारा से शुरू होगा। समय सुबह 9 बजे। आइए रामायण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों ये दोबारा प्रसारण शुरू किया जा रहा है। दर्शकों की काफ़ी मांग थी कि जो महामारी फैल रही है इसमें कुछ आप मोटिवेशन के रूप में लगा लीजिए या कुछ साहस बंधे आम जनता का इस तरीके से लगा लीजिए। और काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम हैं रामायण और महाभारत अपने समय के। रामायण है रामानंद सागर की और महाभारत B.R. चोपड़ा का। उस समय काफ़ी लोकप्रिय प्रोग्राम थे। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। वहीं B.R. चोपड़ा की महाभारत का प्रसारण भी साल 1988 में पहली बार दूरदर्शन पर हुआ था। रामायण और महाभारत को लोग इतने चाव से देखते थे कि सड़कों पर एकदम सन्नाटा होता था। इन धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण के वक्त बाहर सड़कों का माहौल एकदम कर्फ्यू की तरह हो जाता था। 87-88 में रामायण और महाभारत को लोग बड़े चाव से देखते थे। उस समय कहा जाता है कि उस दौर में अफसर से लेकर नेता तक किसी से मिलना तो क्या किसी का फ़ोन भी उठाना अफसर और नेता पसंद नहीं करते थे। 78 एपिसोड वाले रामायण का प्रसारण जब होता था तो देश की सड़कों और गलियों में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा जाता था। भारत के तमाम शहरों और गांवों में रामायण के टेलीकास्ट के समय लोग अगरबत्ती जलाकर बैठा करते थे। चप्पलें कमरे के बाहर उतार दी जाती थी। यह आप अपने बड़ों से पूछ भी सकते हैं। ये सच है। इतना क्रेज़ था उस समय रामायण और महाभारत का। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों एपिसोड की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और बताया कि रामायण का प्रसारण 28 मार्च से शुरू हो रहा है। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे प्रसारित होगा, 28 मार्च शनिवार से। इसमें कौन पात्र थे, किन्होंने भगवान राम और सीता का रोल किया था, रावण का रोल किया था और हनुमान जी का रोल किया था, यहाँ देखिए थोड़ा देख लेते हैं। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। वहीं सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिकिया को आज भी सीता के रूप में ही याद किया जाता है। इसके साथ ही दारा सिंह ने हनुमान जी का रोल निभाया था। वहीं रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। तो ये थोड़ी बातें थी रामानंद सागर द्वारा प्रसारित रामायण की। और इससे काफ़ी सुकून मिलेगा इस महामारी में, क्योंकि उस समय के लोकप्रिय कार्यक्रम थे और आज भी इनको उतने ही चाव से देखा जाएगा।